बातें सुने, उसके बाद इंशाल्लाह बात करते हैं। बाबर आजम ने 3000 रन पीएसएल में पूरे कर लिए, ये एक रिकॉर्ड है। आज तक किसी भी बल्लेबाज ने पाकिस्तान सुपर लीग में 3000 रनों का आंकड़ा नहीं पार किया था। दुखी इसलिए हूं, उदास इसलिए हूं क्योंकि बाबर आजम ने जो रन्स बनाए वो रन्स टीम के जीत के काम नहीं आए, क्योंकि मिडिल ऑर्डर के बल्लेबाजों ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया। ओपनर ने शानदार शुरुआत दिलाई, 91 रन की साझेदारी सैम अयूब और बाबर आजम के बीच में हुई। 26 बॉल पे 42 रन सैम अयूब मारा, 42 बॉल पे 68 रन बाबर आजम, दोनों का स्ट्राइक रेट 162 रहा। इसके बाद आता है टॉम कॉलर कैडमोर, जहां पेशावर जलमी जीत की तरफ बढ़ रही थी, टॉम कॉलर कैडमोर वो गोरा क्या मैं बताऊं, वो आया और बोला कि ऐसे कैसे हम आपको जीतने दे सकते हैं, क्वेटा वालों ने तो हमें पैसे दे रखे हैं। तो भाई साहब रन बॉल खेलने लगे, लगा कि टेस्ट मैच आज खेलने के लिए उतरे हुए हैं। पीएसएल 9 में आज क्वेटा ग्लैडिएटर्स ने पेशावर जलमी को हरा दिया है। जबरदस्त मुकाबला हुआ, हाई स्कोरिंग मैच हुआ, लेकिन गलत समय पे पहले तो सैम अयूब रन आउट हुए और बाद में जब मैच सेट कर दिया था उसके बाद बाबर आजम भी गलत टाइम पे आउट हो गए और कैडमोर भी उसी ओवर में आउट हो गए। बेसिकली मैं कहूंगा अबरार अहमद ने मैच बदल दिया है, एक ओवर में उसने मैच बदल दिया है। आखिरी के 30 ओवर में करीब 60-65 रन चाहिए थे, मतलब आखिरी के 5 ओवर में 60 से कम रन चाहिए थे पेशावर जलमी को, और बाबर और कैडमोर दोनों क्रीज पर थे, तो मुझे लगा कि ये मैच फिनिश कर देंगे बाबर, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आउट हो गए। लेकिन जितनी देर खेले बहुत ही कमाल की क्रिकेट खेले, 4 चौके 4 छक्के जमाए, 160 के ऊपर की स्ट्राइक रेट भी रही अच्छा। लेकिन फिर भी देखो भाई, बाबर आजम के लिए बहुत ज्यादा स्पेशल है, बाबर आजम के फैंस के लिए स्पेशल है, और इससे अच्छी शुरुआत और क्या हो सकती है कि बाबर पहला मैच खेल रहे हैं और उन्हें 65 रन की दरकार थी अपने 3000 रन को पूरे करने के लिए, 3 रन ज्यादा ही बना दिया। हालांकि 74 रन, मतलब कि टोटल 74 रन आज बनाए हुए होते तो शायद बाबर आजम जो है 10000 रनों का आंकड़ा भी पूरा कर लिया होता और हम बैठ के यहाँ पे केक कटिंग भी कर रहे होते। बहरहाल 6 रन से जरूर चूक गए, लेकिन बाबर आजम 10000 रन के अब बेहद करीब हो चुके हैं, 9994 रन उन्होंने बना लिए हैं और होप सो कि अगले मैच में बाबर आजम ये करके दिखा। लेकिन सबसे बड़ा दुख ये है कि आज बाबर का 3000 रन तो जरूर पूरा हुआ है, इस बात की खुशी है, दुख इस बात का है कि एक जीता हुआ मैच, मैच पूरा एकदम मुट्ठी में था, ऐसे मुट्ठी में था और बड़े शौक से हम भी मैच देख रहे थे, चाय शाय पी रहे थे, बोले कि भाई आज तो मैच जीत जाएंगे, बाबर भाई खेल रहा है उसके बाद खेले, लेकिन देखिए मैच नहीं जीत पाए, यहीं पे बात है। शुरुआत तो पहले तारीफ करूंगा मैं क्वेटा के ओपनर्स की, जेसन रॉय ने भी बहुत अच्छी पारी खेली और साउथ सकेल ने, दोनों ने 70 प्लस रन बनाए, बाकी के बैटर बहुत कुछ नहीं कर पाए, लेकिन 200 के ऊपर का स्कोर कर लिया क्वेटा ने और उसके बाद लगा कि फंसेगी ये टीम जो है पेशावर की शुरुआत से फंस जाएगी, लेकिन पेशावर की स्टार्ट भी अच्छी रही यार, और सैम अयूब ने कुछ अपने ट्रेडमार्क शॉट्स खेले, लेकिन इस बच्चे को अब सीखना पड़ेगा कि भैया एक अच्छी शुरुआत को एक ठीक ठाक बड़े स्कोर में कन्वर्ट कैसे किया जाता है। सैम अयूब इज वेरी टैलेंटेड प्लेयर और मुझे लग रहा है इस सीजन के प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट भी वो बनेंगे, लेकिन इसके लिए जरूरी है कि वो 40-42 का जो स्कोर बनाते हैं, 30-35 का, उसको 70-75 का स्कोर में कन्वर्ट करें। ये जितना वो ज़्यादा करेंगे उनकी टीम के लिए अच्छा होगा, और बाबर आजम के लिए बहुत ज़रूरी है कि अब वो समय आ गया है कि आप मैच ज़्यादा ज़्यादा फिनिश कीजिए। अगर आप 15वें 16वें ओवर तक क्रीज पर रह जाते हैं, 14 ओवर के बाद तक खेल रहे हैं, लास्ट फेज में मैच के चले जाते हैं, तो वहां पे आपको ओनस लेनी होगी, जिम्मेदारी लेनी होगी कि अपनी टीम के लिए मैच को फिनिश करें। मैच को हमें नहीं पता था कि ये टॉम कॉलर कैडमोल और ये डैन मुजली, पता नहीं क्या नाम है, मूली है मुजली है, ये बंदा आया और दोनों अंग्रेज, दोनों के दोनों जो है पेशावर जलमी को मैच हरवा दिया। इससे बढ़िया तो आसिफ अली को भेजे हुए होते, तो आमिर जमाल को भेजे हुए होते, तो कुछ एक आध छक्का का मार लिया होता भाई, 18 बॉल पे 18 रन और डैन मुजली 12 बॉल पे 11 रन बना के आउट हुआ है। अब आप ये समझो कि 18-12-30 बॉल पे टोटल 29 रन बने हैं, 30 बॉल पे 29 रन आपने बनाया, यानी कि आपने तो 5 ओवर में सिर्फ 29 रन आपने खा गया, बाकी के 15 ओवर में जितने भी रन बने हैं ना वो आप सोच ले कितने रन बने हैं भाई, एड अमाउंट माइनस कर दो। लेकिन ये पता है यार, आज इतना खुशी का दिन था कि मतलब पेशावर जलमी के लिए खेलते हुए पाकिस्तान के जो सुपरस्टार बल्लेबाज बाबर आजम 3000 रन पूरे किए हैं पीएसएल में, इतना खुशी का दिन था, मेरा मन किया कि यार मैं केक ऑर्डर करूं, लेकिन यार हार गया ना, अब सच में केक कट करने का मन नहीं करता है। अब अगले मैच में बाबर आजम 10000 रन पूरा करेगा और मैच अगर जीता तभी केक काटूंगा वरना नहीं काटूंगा यार, मतलब वो क्या खुशी मैं मनाऊं यार, बताओ यार क्या। बाबर आजम खुद वहां पे गुस्सा हो रहे थे यार,
मिडल ऑर्डर बल्लेबाजों ने परफॉर्म कर दिया होता, मैच आराम से जीते हुए थे यार। कम से कम चिढ़ाने को तो होता कि मोहम्मद आमिर को पेल दिए, अब तो वो भी नहीं बोल सकते हम। वो जीता है तो कोटा की टीम, जो कि मुझे लग रहा है कोटा की बॉलिंग बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन अबरार अहमद मिस्ट्री बॉलर के साथ यही फायदा होता है यार, ऐसे बॉलर आते हैं तो फंसा देते हैं बल्लेबाजों को। और जो एक ओवर उनका गया जिसमें कि उन्होंने 2 विकेट ले लिए, बहुत ही क्रूशियल और बहुत ही इंपॉर्टेंट था वो विकेट। दोनों बल्लेबाज जो है, बाबर चाहे कैडमोर, ये दोनों ऐसे थे जो मैच खत्म कर सकते थे और उनका विकेट उन्होंने ले लिया। उसके बाद फिर हार गई टीम बाबर की, मुझे बहुत अफसोस हुआ, बाबर की अच्छी बैटिंग के बावजूद हार गई। हालांकि एक जगह मुझे जहां खुशी भी, आज टीम इंडिया ने बहुत अच्छा मैच जीता इंग्लैंड के खिलाफ थर्ड टेस्ट में, एक तरह से डिमोलिश करके रख दिया यार बैज बॉल को। बैज बॉल इतना शर्मिंदा जब से शुरू हुआ होगा कभी नहीं हुआ होगा। और सेकेंड इनिंग में इंग्लैंड की जो सेकेंड इनिंग थी, मैच की जो फोर्थ इनिंग्स थी, एक बार भी लगा नहीं कि इंग्लैंड वाले बैज बॉल ट्राई भी कर रहे हैं। 557 रन का टारगेट बहुत ह्यूमंगस, बहुत बड़ा टारगेट होता है, और उसके आगे पूरी तरह से क्रम्बल कर गई इंडिया। 434 रन से मैच जीत गया। रन के लिहाज से ये टेस्ट हिस्ट्री में, इंडिया 92 ईयर से टेस्ट खेल रहा है, 1932 में पहले एक जीता हुआ हारा मैच हरवा दिया वो गोरा टॉम कॉलर कैडमोर बहन का। आप समझ जाओ आज मैच पूरी तरह से पेशावर जलमी के गिरफ्त में थी। मोहम्मद हारिस आउट होता है और उसके बाद ये टॉम कॉलर कैडमोर आता है 18 बॉल पे 18 रन। बाबर अच्छा खासा स्ट्राइक रेट से रन बना रहा था लेकिन उसको स्ट्राइक रेट नहीं दे रहा है, स्ट्राइक नहीं दे रहा, और खुद सिंगल 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 ले रहा है, बॉल खा रहा भाई। और बीच में उस बंदे ने एक छक्का मारा जिससे ना थोड़ा सा स्कोर बराबर हुआ और मैच पेशावर जलमी को हरवा दिया इस बंदे ने। बाबर आजम ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की, 16 रन से जो है पेशावर जलमी ये मुकाबला हारा है। क्वेटा ग्लेडिएटर्स की टीम ने 16 रन से पेशावर जलमी को हरा दिया। बाबर आजम के लिए मैच, बाबर आजम के फैंस के लिए ये जबरदस्त रहा, लेकिन ओवरऑल अगर प्रदर्शन देखे तो पेशावर जलमी के गेंदबाजों ने अच्छा प्रदर्शन नहीं किया। यह सिर्फ और सिर्फ वन मैन आर्मी रहा जिसका नाम है बाबर। बाबर रन बनाया, बाकी के सारी की सारी टीमें फ्लॉप हो गई, सारे के सारे खिलाड़ी फ्लॉप हो गए। क्वेटा को ज्यादा से ज्यादा जो है वो लाइक कीजिए, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए अल्लाह।